हे गाइस, आपका इस नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मैं गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इस गाड़ी की बैटरी हो गई है खराब और वो मैंने निकाल दी है। और आज हम डालेंगे नई बैटरी इस गाड़ी में, देखते हैं कैसे कैसे बैटरी डलती है। और मैं खुद फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ बैटरी को, तो काफी मजा आएगा बनाने में व्लॉग को, और आपको भी काफी मजा आएगा कि फर्स्ट टाइम मैं कैसे डाल रहा हूँ बैटरी को। तो बने रहिए आप मेरे साथ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन सी बैटरी है। और इस वक्त तो मेरे पास है स्विफ्ट कार मारुति की, तो देखते हैं कि कैसे कैसे बैटरी डलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बैटरी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक्साइड की बैटरी ली हुई है। 55 मंथ इसकी वारंटी है, मतलब 4.5 साल के अराउंड इसकी वारंटी है। तो आप किसी और की भी बैटरी ले सकते हो, जैसे कि एमरॉन फ्लो की भी ले सकते हो, आप टाटा की भी ले सकते हो, या आपको एक्साइड पसंद है तो एक्साइड की भी ले सकते हो, या फिर अनदर कंपनी की भी ले सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बैटरी लोगे गाड़ी की, ठीक है। तो मैंने गाड़ी की बैटरी ली हुई है एक्साइड की। तो अब हम इस बैटरी को डालेंगे इस गाड़ी में, देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हॉर्न भी नहीं चलेगा, स्टीरियो में म्यूजिक प्लेयर भी नहीं चलेगा, म्यूजिक सिस्टम मतलब बंद है बिल्कुल, क्योंकि बैटरी है ही नहीं तो चलेगा कहाँ से। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट भी बैटरी से ही होती है। तो हम बोनट को ओपन कर लेते हैं, बोनट यहाँ से ओपन होगा और बाहर की ओर बढ़ेंगे और इस बैटरी को अब हम लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये सब कुछ चलेगा, हॉर्न चलेगा, स्टीरियो में म्यूजिक चलेगा, क्या ये गाड़ी स्टार्ट होगी, सब कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो इस वक्त मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। और आपको मैं ब्लैक भी नजर आ रहा हूँ, तो सामने सूरज है इसलिए मैं ब्लैक नजर आ रहा हूँ, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अब बोनट खोलना है, खोलूंगा तो मैं ही, आप देखिए। और जल्दी से बोनट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर इस बोनट को अब हम एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो अब हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे, फिलहाल आप मेरे पास आ जाइए। तो जल्दी से बैटरी को लगा लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल का कैप, और ये है बैटरी रखने के लिए एक ट्रे, और ये है हमारे पास ये बैटरी कवर। ये आपको साथ में मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा अलग से, ये आपको जब आप पुरानी बैटरी दोगे तो आपको साथ में नहीं देना है ये, ठीक है। यदि आप दे दोगे तो आपको दोबारा से खरीदना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, इससे बस बैटरी सेफ रहती है। तो जल्दी से अब हम बैटरी को निकाल लेते हैं, बट उससे पहले अब हम ये लगा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये है गाड़ी का पूरा मैकेनिज्म। पुरानी बैटरी मैंने यहाँ से निकाली है, तो नई बैटरी भी हम यहीं लगाएंगे, बट उससे पहले हम बैटरी के प्रोटेक्टिव केस लगा लेते हैं, जैसे कि ट्रे और ये कवर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लगा लेते हैं। तो अब हम प्रोटेक्टिव केसेस लगा लेते हैं, ये ट्रे यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद ये बैटरी का कवर यहाँ पर इस तरह रखेंगे और इसके अंदर आएगी बैटरी। और यहाँ पर जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है ये बाद में लगाएंगे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल का कवर है ये बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बैटरी को उन प्रोटेक्टिव केसेस के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए बैटरी को उठाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर बैटरी काफी भारी है, तो यहाँ पर इसको आराम से हम इन प्रोटेक्टिव केसेस के अंदर रख देंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैटरी लग चुकी है, आप देख सकते हो प्रोटेक्टिव केसेस के बीच ये सेफ है। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे गाड़ी के साथ, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, टर्मिनल्स जोड़ने हैं, ठीक है। टर्मिनल्स जोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये है गाड़ी का पॉजिटिव टर्मिनल और यह है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है गाड़ी का नेगेटिव टर्मिनल और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और हमें कुछ इस तरह से इनको कनेक्ट करना है। ये पॉजिटिव से आज पॉजिटिव जुड़ गया और यहाँ पर ये गाड़ी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया। इस तरह हमने करना है इनको फिट और फिर कर देना है हमने इनको टाइट। तो चलिए टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने टर्मिनल्स को अच्छी तरह टाइटली फिट कनेक्ट कर लिया है और ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है ये है हमारा प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बैटरी हिले नहीं। तो अब हम कैप लगा लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर कैप भी लग गई है। तो फाइनली मैंने गाड़ी को कनेक्ट कर लिया है बैटरी के साथ, अब हम इसको आजमाएंगे कि बैटरी चलती है या नहीं। यदि गाड़ी ऑन नहीं हुई तो मतलब बैटरी गलत लगी है, यदि गाड़ी ऑन होगी तो बैटरी ठीक लगी है, दो ही ऑप्शन होंगे हमारे पास। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब आप बैटरी लगाओगे तब गाड़ी को या तो फुल्ली अनलॉक कीजिए या फुल्ली लॉक कीजिए। ऐसा क्या होगा, यदि आपने फुल्ली अनलॉक या फुल्ली लॉक्ड नहीं की है तो अलार्म बजेगा जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करोगे गाड़ी के साथ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि या तो आप फुल्ली अनलॉक कीजिए या फुल्ली लॉक्ड कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कि हमारी बैटरी लगी है ठीक या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने बैटरी को कर लिया है कनेक्ट गाड़ी के साथ, तो अब हम
देखते हैं कि जो गाड़ी के फंक्शन चलते हैं बैटरी के साथ वो चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हॉर्न को देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो गया है, बट ये सिक्योरिटी दिखा रहा है। ये सिक्योरिटी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने नई बैटरी डाली है। इसको हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सिक्योरिटी क्यों दिखा रहा है और इसको कैसे हटाना है। ठीक है, तो अब हम गाड़ी को ऑन ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया ऑन ऑफ का ऑप्शन, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया, मतलब बिल्कुल बैटरी बढ़िया डली है। तो अब हम देखते हैं गाड़ी चलती है या नहीं।